आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित हुई है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। वहीं महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगर में भी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र जायसवाल ने अपने कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिठाइयां खिलाकर जश्न मना रहे हैं। बीजेपी दफ्तर से जुटे भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू की जिंदाबाद के नारे की, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाइयां दी। भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति सदस्य जितेंद्र जायसवाल ने उड़ीसा के आदिवासी परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आज दलित और आदिवासी समाज के साथ भी पूरा देश जश्न मना रहा है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र और बीजेपी जैसी पार्टी में ही संभव है कि एक कार्यकर्ता को सर्वोच्च पद तक सम्मान मिल सकता है। देखिए, हमारे एनडीए की जो प्रत्याशी थी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति का चुनाव मतदान हुआ था, आज मतगणना हो रही थी और यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है, पूरे देश को खुशी है कि आज द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने विपक्षी प्रत्याशी के मुकाबले भारी अंतर से जीत कर देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। पहली बात, उनको नगर पालिका नौतनवा की तरफ से और जनपद महाराजगंज की तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना है, जो उनकी सोच है, जो उनका विचारधारा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता की जाए, निश्चित रूप से चूंकि वो आदिवासी समाज से आती है, उनको भारत का सर्वोच्च पद देकर भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को पूरा करने का काम किया है और समाज के अंतिम महिला को, अंतिम व्यक्ति को सर्वोच्च स्तर पर, सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का काम किया है। निश्चित रूप से यह कदम, भारतीय जनता पार्टी का यह कदम देश के करोड़ों दलित आदिवासी भाइयों के उत्थान के लिए, विकास के लिए एक नजीर साबित होगा।